इन्विजन कैपिटल। नरेश गुड मॉर्निंग, ये थोड़ा मामला फंस रहा है या फिर ये, और अगर ऐसा फंसा तो क्या करें, ये क्या 2004 की याद आ रही है या फिर अभी इट्स टू अर्ली टू से दैट? ये थोड़ा प्री मैच्योर होगा 2004, क्योंकि 2004 में तो एक कंप्लीटली जो बोल सकते हैं कि ऑपोजिशन ने सरकार बनाई थी, यहाँ पे अभी भी एनडीए को मेजोरिटी है, सो बेसिकली गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कंटिन्यू रहेगा। वही है, अभी अंदर के जो अरिथमेटिक आंकड़े हैं उससे इम्पैक्ट आएगा, तो ऐसा लग रहा है अनुज के जिस सीधा जो पीएसयू शेयर्स है उनपे सीधा इम्पैक्ट आएगा, एक नीजक रिएक्शन मार्केट में से भी आएगा, लेकिन 2004 वाला मामला नहीं लग रहा है। खैर एनीवे, चलिए अच्छा अब इस समय अप्रोच क्या होगी मार्केट पर, आप क्या अप्रोच लेके चल रहे हैं? अगर अज्यूम कर लीजिए कि एनडीए वेफर थिन मेजोरिटी के साथ सरकार बना लेता है या फिर मामला थोड़ा सा फंस जाता है, दोनों केसेस में अप्रोच क्या होगी? अनुज जो दूसरा जो सिनेरियो है जहां मामला फंस जाता है वहां पे तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि जहां मामला फंस जाता है वो तो थोड़ा बहुत 2004 वाला सिचुएशन सिनेरियो बनेगा, तो वहां पे तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर एनडीए सरकार बना लेती है, जो अभी जो आंकड़े वो वही दिखा रहे हैं कि वो उनकी मेजोरिटी है एनडीए की, अगर वो है तो हमारे हिसाब से ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो पीएसयू शेयर्स है जहां पे थोड़ी बहुत कल प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट की उम्मीद जगी थी, वो जो थीम है वो थीम टोटली बैठ जाएगा, तो वो जो स्पेस है उसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो है जहां पे टेक्नोलॉजी है, कंज्यूमर है, जो केपेक्स कैपिटल गुड्स है, वो जो क्षेत्र है, वो जो सेक्टर्स है, वहां पे तो ये जो गिरावट देखने को मिल रही है वो एक अपॉर्चुनिटी है वहां पे। तो जो इंडिविजुअल स्टॉक्स जो आज 5-5, 6-6% है वहां पे तो खरीदारी जरूर तौर पर शुरू करनी चाहिए और वहां पे डरने वाली कोई बात नहीं। मीनवाइल थोड़ी सी रिकवरी आई है मार्केट में, बैंक निफ्टी में, निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी आई है और अब 295 एनडीए और आई थिंक इंडिया अलायंस 217, तो थोड़ी सी रिकवरी है यहाँ पर और कुछ स्टॉक्स में भी थोड़ी सी रिकवरी है वीरू। और आज क्लियरली एक इंडेक्स जो थोड़ा सा लीड करा रिकवरी में या फिर थोड़ा सा अपने आप को संभाले हुआ वो है FMCG इंडेक्स। एक बार निफ्टी FMCG इंडेक्स लेकर आइए और वो इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, ये इस समय करीब करीब इंडेक्स 1.5% नीचे है लेकिन कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स यहाँ पर ठीक ठाक कर रहे हैं, मैरिको, कोलगेट और लीवर जैसे स्टॉक्स भी। अच्छा नीलेश जी, थोड़ा सा इस पॉलिटिकल आई मीन अभी तो नंबर्स आने हैं, अभी मैंडेट क्या होगा क्या नहीं होगा उसको हम रीड करेंगे, लेकिन कुछ और डायनेमिक्स भी हैं इस बाजार के, लाइक क्रूड रिट्रेसमेंट, क्रूड का करीब करीब 78 की ट्रेजेक्टरी में आना, मानसून का अच्छा होना और लेटर पार्ट ऑफ द मानसून का और अच्छा होना, इस पर आई मीन जो टिप्पणियाँ मेट की हुई हैं, इस थीम के अंतर्गत आपका व्यू क्या है इस वक्त, इस इन दो एलिमेंट्स को बाजार के आप कैसे प्ले करना चाहेंगे, आपका व्यू इसके अंतर्गत? बाजार जो है ये बहुत ही पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, ये जो डेवलपमेंट्स हैं, नॉर्मल मानसून है, क्रूड का गिरना है और जो 2-3 सेक्टर्स जिनको सीधा बेनिफिट मिल रहा है मिल सकता है वो होगा FMCG, कंज्यूमर और ये जो टू व्हीलर स्टॉक्स, इनको सीधा बेनिफिट मिलता है और क्योंकि इनसे बेसिकली इन सारी कंपनीज के मार्जिन्स भी इम्प्रूव होंगे और रूरल सेक्टर में एक अच्छा बढ़ोतरी भी मिलेगा, क्योंकि अगर मॉनसून नॉर्मल है, फसल अच्छी होगी, दाम भी अच्छे चल रहे हैं, तो किसानों की कमाई जो है, जो हमारे रूरल क्षेत्र में जो 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 लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, तो सीधा बेनिफिट है के FMCG, कंज्यूमर और टू व्हीलर्स, और ये सेक्टर्स जो है वो बड़े डिफेंसिव भी साबित हो सकते हैं और इनमें हल्की हल्की इनिशियली हमें ये प्राइस ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है कि ये ऐसे लग रहा है कि ये जो सेक्टर्स है, ये स्टॉक्स है, ये ना ही बॉटम आउट मतलब बॉटम आउट हो चुके हैं और शायद इनमें एक हल्का सा अप ट्रेंड भी शुरू हो गया है। ओके, तो यहाँ पे ये दो थीम के अंतर्गत आपका व्यू निलेश जी। अच्छा, एक दो बास्केट ऐसी जहाँ पे शायद अर्निंग्स में अभी वो इम्पैक्ट Q4 में भी देखने को नहीं मिला, बट कंपनियाँ अपने तौर पर आप देखें काफ़ी अटेम्प्ट कर रही हैं टू आई थिंक अपनी मार्केट कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, कुछ M&As हो रहे हैं, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ आई थिंक केमिकल बास्केट, अभी रिसेंटली UPL ने और आरती इंडस्ट्रीज ने करार किया। केमिकल्स में अभी भी अर्निंग काफ़ी डाउन साइड पर नंबर हमको दिखाई दिए, बट एनी व्यू ऑन केमिकल्स, कौन सा कॉल के लिए इस वक्त इस प्राइस पे?
ये जो सेक्टर है, ये जो क्षेत्र है, ये काफी गिरा हुआ है। मतलब जो 2 साल 3 साल 4 साल पहले जो इन्होंने हाइज बनाए थे, खास करके पोस्ट कोविड जो हाइज बनाए थे, उसके कंपैरिजन में उनके काफी गिरे हुए हैं स्टॉक प्राइसेस। तो इनमें एक जो हम कहते हैं कि एक बाउंस बैक, एक रिट्रेसमेंट, वो एक आ सकता है। लेकिन क्या ये सेक्टर बुल मार्केट में एंटर करेगा, वो नहीं लग रहा है। या वो होगा इवेंचुअली, लेकिन उसके लिए अभी भी कुछ बहुत समय बाकी है। शायद शायद 2-3 साल भी लग जाए इन इन इस सेक्टर को एक नए बुल मार्केट में आने के लिए। तो वो एक माइलस्टोन या वो जो एक इवेंट है वो काफी दूर है। लेकिन क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म में, जैसे आपने पहले भी बताया कि क्रूड करेक्ट हो रहा है। अगर क्रूड करेक्ट हो रहा है तो क्रूड इन सब ये सेक्टर के लिए एक रॉ मटेरियल है, मतलब क्रूड बेस्ड जो प्रोडक्ट्स है इनके लिए रॉ मटेरियल है। तो अगर क्रूड गिर रहा है तो इनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट आने की संभावना है। और दूसरी बात, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उससे ऑपरेटिंग लेवरेज भी आता है, उससे भी मार्जिन बढ़ते हैं और उससे मुनाफे में भी वृद्धि आती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो अभी सेक्टर में टेलविंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या अपसाइड आ सकती है? अपसाइड आ सकती है। क्या ये बुल मार्केट में प्रवेश कर रहा है ये सेक्टर? नहीं लग रहा है कि ये बुल मार्केट में प्रवेश कर रहा है। ओके, अच्छा, थोड़ी सी रिकवरी आ रही है सीपीएससी इंडेक्स में, यहाँ पर थोड़े से मूव्स आपको अच्छे दिखाई देंगे। नीलेश, आईटी और फार्मा, यहाँ पर क्या कुछ पोजीशनिंग बनाई जाए, कुछ स्टॉक्स जो आपको पसंद हो यहाँ पर? दोनों सेक्टर्स अभी अच्छे लग रहे हैं, दोनों सेक्टर्स ने काफी कूल ऑफ भी किया है। फार्मा को, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि रॉ मटेरियल प्राइसेस, मतलब फार्मा एक केमिकल सेक्टर का एक कजिन है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि बेस जो है वो केमिकल प्राइसेस, जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है। तो अगर क्रूड गिरता है तो इनके मार्जिन एक्सपैंड हो सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, फार्मा के लिए यूएस में जो प्राइस इरोजन चल रहा था उसमें काफी हद तक एक बॉटम आउट हो गया है या बेस बिल्ड हो चुका है। तो ऐसे लग रहा है कि फार्मा एक पॉजिटिव होगा। आईटी एक वो भी काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। और अनुज, आईटी में जो एक मिड कैप क्षेत्र है, जो नीश प्लेयर्स है, वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर इनके प्राइसेस अभी भी गिर रहे हैं तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर ये जो राजनीतिक स्थिति जो उभर के आ रही है उसमें हो सकता है करेंसी पे भी थोड़ा प्रेशर आ जाए, तो उसका भी सीधा बेनिफिट आईटी सेक्टर को हो सकता है। और इसके अलावा जो मार्केट की पोजीशनिंग है, और अगर मार्केट रिस्क ऑफ मोड में जाता है, डिफेंसिव मोड में जाता है, तो एफएमसीजी टूल व्हीलर्स के अलावा फार्मा और आईटी डिफेंसिव सेक्टर साबित हो सकते हैं। ओके, मीनवाइल यूपी में